अभी तक कुल 109 व्यक्ति जो इन कांडों में संलिप्त पाए गए हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार हम उन लोगों की पहचान करके गिरफ्तारी का कार्यक्रम जारी रखेंगे। किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और कानून की पूरी ताकत के साथ उनसे निपटा जाएगा कि हर कीमत पर शांति व्यवस्था बहाल रखी जाए, विधि व्यवस्था बनाई रखी जाए। जो दोषी हैं अभी तक गड़बड़ी करने वाले उनकी पहचान की जाए और पहचान करने के बाद उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको सजा दिलाई जाए। आज की ये मीडिया ब्रीफिंग बिहार में पिछले दो दिनों में रामनवमी के त्यौहार के संबंध में आयोजित की गई है। जैसा कि आप जानते हैं यह त्यौहार संपन्न हुआ है। हर वर्ष की तरह बल्कि उससे कुछ ज़्यादा प्रशासनिक स्तर पर तैयारी और चौकसी रखी गई थी। रामनवमी के त्यौहार के लगभग एक सप्ताह पहले राज्य के मुख्य सचिव डीजीपी साहब, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग और पुलिस के वरीय अधिकारियों के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के सभी जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक, रेंज के आईजी और डीआईजी और डिविजनल कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके मुख्यालय से उनके साथ निर्देश भी उनको दिए गए थे और उनके द्वारा की गई तैयारी बंदोबस्त की समीक्षा भी की गई थी। इंटेलिजेंस जो था वो भी शेयर किया गया था पिछले वर्षों की घटनाओं के आधार पर और पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती की पर्याप्त व्यवस्था इस अवसर पर की गई सभी जिलों में। और जैसा कि आप जानते हैं राज्य के दो शहरों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर यह त्यौहार शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और इसके लिए मैं राज्य की पुलिस को, जो श्री आर एस भट्टी डीजीपी साहब के नेतृत्व में काम कर रही है, और गृह विभाग और मजिस्ट्रेसी को जो चैतन्य प्रसाद जी के नेतृत्व में है, मैं धन्यवाद भी देता हूँ। बिहार शरीफ और सासाराम में कुछ कोशिश की गई अशांति फैलाने की, कुछ घटनाएं करने का प्रयास किया गया, कुछ घटनाएं उस प्रयास के समय हो गई, लेकिन वरीय अधिकारियों के पर्यवेक्षण में और स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के प्रयास से बहुत जल्दी उन पर काबू पा लिया गया और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अशांति को व्यापक पैमाने पर फैलने से रोका गया। आज भी सुबह से स्थिति सामान्य चल रही है, शांति व्यवस्था बहाल है, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को बुला करके हालात की समीक्षा की, जायजा लिया, तथ्यों से वे अवगत हुए और मुख्य सचिव और डीजीपी को निर्देश दिया और हम दोनों के माध्यम से, इन दोनों अधिकारियों के माध्यम से राज्य के पूरे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया कि हर कीमत पर शांति व्यवस्था बहाल रखी जाए, विधि व्यवस्था बनाई रखी जाए। जो दोषी हैं अभी तक गड़बड़ी करने वाले उनकी पहचान की जाए और पहचान करने के बाद उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको सजा दिलाई जाए। तो अभी जो प्राथमिकता होगी वो यही होगी कि राज्य में जो ऐसे तत्व हैं जिन्होंने इस तरह का कोई अटेम्प्ट किया, प्रयास किया शांति भंग करने का, उनकी पहचान हो और जिन्होंने इस तरह का सामाजिक और कानूनी अपराध किया उनको कानून के दायरे में ला करके सजा उनको दिलाई जाए। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है और मैं उनका ये निर्देश आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी तक पहुंचाना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बात पर दृढ़ है
कि शांति व्यवस्था बनी रहेगी और किसी किस्म की गड़बड़ी करने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जो पुलिस की कार्रवाई हुई है, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं और जो पुलिस का काम है, उस पर डीजीपी साहब और एडीजी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि उस पर आपको संबोधित करना चाहेंगे। वर्तमान में पूरे राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सासाराम और बिहार शरीफ में जो कुछ घटनाएं हुई, उनमें अभी तक कुल 109 व्यक्ति जो इन कांडों में संलिप्त पाए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार हम उन लोगों की पहचान करके गिरफ्तारी का कार्यक्रम जारी रखेंगे। किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और कानून की पूरी ताकत के साथ उनसे निपटा जाएगा। ये निश्चित तौर पे एक प्रयास था राज्य की अमन शांति को भंग करने का, जिसको पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने मिलकर के इसको विफल किया है और हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि आगे कोई ऐसी घटना को हम नहीं होने देंगे जिससे कि आम सामान्य शांति व्यवस्था पे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जो ऐसे अंसर हैं समाज में, थोड़े बहुत कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति हो, उनकी भी हम पहचान करके उनको कानून के दायरे में लाएंगे। धन्यवाद। कितने लोगों की मौत हुई है? एक ही व्यक्ति की मौत हुई और वो आपको मालूम है, उसमें भी हमने कांड दर्ज करके गिरफ्तारियां की हैं। और बाकी कुछ नई बात इसमें ये है कि जो ससाराम में कुछ लोग बम से जख्मी थे, कल रात में ही हमने यहां से FSL की टीम और डॉग स्क्वाड को भेज करके, सुबह 5 बजे हमारी FSL की टीम पहुंच गई थी और उसने जांच करके जो वहां पे अंश मिला था एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का, उससे हमने ये साबित कर लिया कि वो किसी तरह का किसी के ऊपर हमला नहीं था। वो व्यक्ति स्वयं ही या तो बम बना रहे थे या उसको हैंडल कर रहे थे। तो वो व्यक्ति जो जख्मी है वो अपराधी की कैटेगरी में आए हैं, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया, उनका इलाज चल रहा है। जब वो बेहतर हो जाएंगे, हॉस्पिटल से छूटेंगे, तो वो जेल जाएंगे। छह व्यक्ति हैं उसमें। स्थानीय प्रश्न आप स्थानीय प्रशासन से पूछे, हम लोग आपको कुल ओवरऑल व्यू दे रहे हैं और आश्वस्त कर रहे हैं आम जन को आपके माध्यम से कि पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में। वीडियो कल जारी किया जिसमें शांति बाल की बात की, उसके बाद ही ब्लास्ट हो गया। वो अनकनेक्टेड इश्यू है, उनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो अपराधी थे, यहाँ उसको बना रहे थे या हैंडल कर रहे थे, उसमें वो घटना हुआ और बिल्कुल अलग स्थान पे हुआ। जहाँ वो झोंपड़ी में बना रहे थे उसकी भी हमने पहचान कर ली, वहां से भी कुछ अंश मिला, FSL टीम ने जब्त करके मिला भी लिया उसको। सर, जो घटनाएं हुई इसके बारे में कोई इनपुट नहीं थी पहले से कि ऐसा होने वाला है? देखिए, हर चीज की इनपुट होना एक पहलू है। जैसे मुख्य सचिव महोदय ने कहा, 1832 जुलूस पूरे राज्य में चल रहे थे रामनवमी के अवसर पर और ये दो स्थानों को छोड़ करके बाकी सारे सफल रूप से संपन्न हुए हैं। तो निश्चित ही जो इनपुट थी, जो उसके आधार पे प्लानिंग थी, फोर्स डिप्लॉयमेंट थी, वो सही रूप से की गई। कई बार कुछ मौके पे कुछ ऐसा होता है तो उसके आधार पर, वो भी प्रयास था, बहुत तुरंत प्रशासन ने कार्रवाई की है और उसको नियंत्रित किया। इसके बावजूद भी वहाँ पे पुलिस के सामने में देखा गया कि पथराव होते हुए, हिंसा होते हुए। आप मोटी बात आपको बता दिया, कमी है क्या? सर, मंत्री जी ने कहा था कि नेचुरल इंसिडेंट नहीं है, जो भी हुआ है। तो क्या आप लोग के पास कोई ऐसा इनपुट आया है कि इसके पीछे साजिश, उन्होंने इशारा किया कि साजिश किसी ने रचा है? कांडों में बिल्कुल निष्पक्ष और ठोस अनुसंधान होगा। जहां जहां भी ऐसी कोई व्यक्ति इसके पीछे अगर हैं, उनको एक्सपोज करके कानून के दायरे में लाया जाएगा। सर, हाउ मेनी एडिशनल फोर्सेस हैव बीन डिप्लॉयड फॉर दिस, आई मीन फेस्टिविटीज एंड ऑल दिस? एंड सेकंड थिंग सर, इज देयर एनी एडिशनल पैरामिलिट्री फोर्सेस व्हिच हैव बीन व्हिच वर आस्क्ड बाय? सो रामनवमी के अवसर पर हर वर्ष कुछ अतिरिक्त बल, केंद्रीय बल मांग किए जाते हैं।
उसी के तहत इस बार भी कुछ मांग किए गए हैं। और ये घटना के बाद भी हमने कुछ कल रात्रि में भी मांग की थी, उसमें हमको 4 कंपनी और बल मिला है देर रात्रि में, जो आज दिन में पहुंच गया है। सर, क्या बिहार पुलिस सोशल मीडिया पर भी? आपने एक और बात पूछा था। नहीं, सामान्य जो हम हर रामनवमी के पर्व के समय पे करते हैं उसी रूप में था। एडिशनल इस घटना होने के बाद हमने कुछ कंपनी मांगी, उसमें 4 रात में मिली। सर, टुडे वी वर इन्फॉर्म्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री दैट एडिशनल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैव बीन आस्क्ड और रिक्वायर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट व्हिच वी आर सेंडिंग। वो 4 कंपनीज उसमें हैं, जो कल रात का जो हमने रिक्विजिशन किया था उसमें 4 कंपनी उन्होंने भेजी है, जो आज दिन में पहुंची। सर, एक वीडियो कल पटना के मनेर शरीफ का भी आया था सामने, उस सब पे कार्रवाई होगा, आप निश्चिंत रहें। एक एक वीडियो का एनालिसिस और कार्रवाई होगा। सर, क्या ऑर्गेनाइजर्स, जो ऑर्गेनाइजर्स ने परमिशन दिया था, क्या उनकी भी जांच होगी? कि जो सब चीज की जांच होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा, आप देखते जाइए। बिना लाइसेंस के कोई जुलूस थे क्या? जो नहीं, सब जुलूस को विधिवत लाइसेंस और उसमें निर्धारित शर्तें होती हैं लाइसेंस की, उसके तहत हैं। लेकिन हाँ, कहीं अगर उल्लंघन है वो सब की तो जांच होगी, सब चीज फुटेज की जांच होगी, आपको बताया जाएगा ड्यू कोर्स। अब मैं अपर मुख्य सचिव, मुख्य सचिव महोदय से एक सवाल है, 144 लगा था या नहीं, इसको लेकर के कंट्रोवर्सी है, तो आप लोग स्थिति स्पष्ट कर दें कि क्या लगा था या नहीं। देखिए, ये बता दिया गया कि स्थानीय प्रशासन से स्थानीय मुद्दे पूछे जाएं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने यहाँ पर राज्य की स्थिति आपको बता दी है, और जो तैयारियां थी और जो स्टेप लिए गए, जो गिरफ्तारियां हुआ वो बता दी है। धन्यवाद, थैंक यू।